टूट सकता है आरआर इंफ्रासिटी प्रोजेक्ट का गेट व सड़क। सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगों ने बनाई अवैध टाउनशिप। 4 बीघे के मालिक आसपास के 100 बीघे बेचने का कर रहे हैं प्रयास। फर्जी नक्शा, फर्जी प्रोजेक्ट, कौन है इस ठगी का मास्टरमाइंड? ना रेरा ना एलडीए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, शाइन सिटी की तर्ज पर चल रहा खेल, आखिर कब चलेगा बुलडोजर? क्या फिर शाइन सिटी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा आरआर इंफ्रासिटी में फिर होगा साइन सिटी पार्ट 2? राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मंदाकिनी विहार में हमारी मौजूदगी है। इस समय आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मंदाकिनी विहार का गेट बना हुआ है और वहाँ पर सड़क बना दी गई है। सड़क और जो बनाई गई है वो चकमार्ग और नाले पर बना दी गई है। उसके साथ ही इनके पास किसी भी और कोई जमीन की जानकारी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे साइट डेवलप बाय सिद्धि विनायक इंफ्रा, सिद्धि विनायक का भी नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। कहीं ना कहीं इनके पास ना ही किसी तरीके की कोई ज़मीन है, ना ही इनके पास जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, रेरा हो, एलडी हो, इन सब से उनका पंजीकरण नहीं है। तो साफ है कि जिस तरीके से ब्रोशर के माध्यम से लगातार बड़े बड़े रेटों पर इन ज़मीनों का सौदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फर्जी है। और जिस तरीके से अगर बात करी जाए साइट की, तो सिर्फ गेट और सड़क बनाई गई है, वो भी चक मार्ग और नाले का इस्तेमाल करके। जो प्रकरण मेरे समक्ष आ रहे हैं, जो लोग जनता के लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर हम लोग जांच करके और फैक्ट्स के आधार पर हम उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, अभियुक्तों गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में हर साल प्लाट के नाम पर 50,000 करोड़ की ठगी हो जाती है। 1 इंच जमीन न होने के बावजूद सैकड़ों एकड़ की प्रोजेक्ट हवा में बेच दिए जाते हैं और लोगों की गाड़ी कमाई ठग ली जाती है। साइन सिटी जैसी कंपनियां पर पुलिस को एक नहीं बल्कि कई मुकदमे दर्ज करने पड़े। लगभग 4,000 मुकदमे साइन सिटी के ऊपर पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसी तर्ज पर एक और कंपनी काम कर रही है और साइन सिटी के जो पूर्व कर्मचारी हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं। ताजा मामला आरआर इंफ्रासिटी के प्रोजेक्ट मंदाकिनी विहार का है। चंद दिनों पहले साइकिल से चलने वाले लोग अचानक हवाई सफर करने लगे हैं। पता चला है कि अब वह रियल एस्टेट में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। मंदाकिनी विहार के पास मात्र 4 बीघे का मालिकाना हक है। बावजूद इसके यह कंपनी जिला पंचायत व अन्य सरकारी विभागों से बिना स्वीकृत नक्शे के 100 एकड़ की टाउनशिप चलाने का झूठा दावा कर रही है। इस कंपनी ने सरकारी जमीन पर विशालकाय गेट बनाकर लोगों की आंख में धूल झोंक कर ठगी का व्यापार शुरू कर दिया है। इस मामले में किसानों ने शिकायत भी की है। ज्ञापन सर इस बात का है कि पिछले कई बार से लगातार तहसील प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। अवैध प्लाटिंग बिना नक्शा पास कराए लगातार व्यवसाय कर रहे हैं, जिनसे लोगों का शोषण हो रहा है। प्लाट के नाम पर ठगी हो रही, इसके संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय को और उनसे अनुरोध किया गया कि 1 सप्ताह में इस पर कार्रवाई तत्काल करें। ये अमेठी पड़ता है गोसाईगंज रोड पर और धोरारा गांव है। ये कहा गया कि 1 सप्ताह में हम आपके ज्ञापन पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। सारे के सारे भूमाफिया हैं, आरआर इंफ्रासिटी के नाम से कंपनी चला रहे हैं और सार्वजनिक रास्ते पर गेट बना लिया है जबरन। तहसील प्रशासन को सूचना दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जी बिल्कुल, हमें तो ये लग रहा है तहसील प्रशासन में इसमें संलिप्त है, क्योंकि सरकारी चकमार्ग पर अवैध गेट बन जाना, अवैध रास्ता बन जाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। अब रूपरेखा बन रही है कि यदि 1 सप्ताह में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला पंचायत में पता करने पर सामने आया है कि यहां से कोई नक्शा पास नहीं है। उन्होंने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी अभी हमें भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक लेटर दिया गया है, जो ये बताया गया ग्राम सभा अमेठी UP 32 ढावा के निकट तहसील मोहनलालगंज में आरआर इंफ्रासिटी नाम की एक कंपनी द्वारा मंदाकिनी विहार नाम की एक अवैध टाउनशिप चलाई जा रही है, जो ग्राहकों को जिला पंचायत से सैकड़ों बीघा नक्शा पास होने का दावा करती है। पूरी तरह से कृषि योग्य भूमि तथा बिना भू उपयोग बदले
नियमों के को ताक पर रखकर किया जा रहा है और ये अभी हम लोग आश्वस्त कराते हैं कि अभी अभी ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है और इसकी जांच करा के हम कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे बिल्डरों पे कराएंगे। अभी यहाँ आए थे, जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि उस कंपनी द्वारा अवैध नक्शा बताया जा रहा है जिला पंचायत से पास है, उसके संबंध में हमने अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन देकर बात की है तो अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ से नक्शा जो है पास नहीं है और इस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। एक हमारे यहाँ गोसाईगंज अमेठी में अवैध प्लाटिंग चलाई जा रही है और मंदाकिनी विहार के नाम से RR कंपनी है, तो उनका कहना ये है कि जब भी बात की जाती है तो उनका कहना है ये कि नक्शा पास कराया हुआ है जिला पंचायत से, लेकिन उसके संबंध में अभी बात की गई है, देखते हैं अध्यक्ष जी क्या आश्वासन आगे मिलता है, कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे रेरा की बात आपने छेड़ दी है, अक्सर ये कंपनियाँ क्या करती हैं, रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है उस प्रोजेक्ट को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराती हैं, जिसके चलते इनका अवैध गोरख धंधा चलता है। तो हम रेरा से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जितनी भी कंपनियां मोहनलालगंज क्षेत्र में चल रही उनका प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कराया जाए और यदि नहीं है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। बिना रेरा जिला पंचायत LDA के अप्रूवल के कोई प्लाट बेचना तो दूर, प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकता है। हमने RR इंफ्रासिटी के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, मेल व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से जो है हमने उनका पक्ष जानने के लिए उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे उनका कोई भी जवाब हमारे तक नहीं आया। इससे ये साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली है। साथ ही उसके खास प्रोजेक्ट ऑपरेशन 420 में अगले एपिसोड में आप देखिए मंदाकिनी विहार में अब तक कुल कितने लोगों का साथ फर्जीवाड़ा हो चुका है और साथ ही साइंस सिटी के कौन कौन से पूर्व एसोसिएट इसमें काम कर रहे हैं और उन पर किन धाराओं में पुलिस उनको ढूंढ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो ग्राहकों से कितनी ठगी करी गई है ये भी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ आकर्ष शुक्ला, साधना न्यूज़ लखनऊ। टूट सकता है RR इंफ्रासिटी प्रोजेक्ट का गेट व सड़क। सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगों ने बनाई अवैध टाउनशिप। 4 बीघे के मालिक आसपास के 100 बीघे बेचने का कर रहे हैं प्रयास। फर्जी नक्शा, फर्जी प्रोजेक्ट, कौन है इस ठगी का मास्टरमाइंड? ना रेरा ना LDA कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, शाइन सिटी की तर्ज पर चल रहा खेल, आखिर कब चलेगा बुलडोजर? क्या फिर शाइन सिटी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा RR इंफ्रासिटी में फिर होगा साइंस सिटी पार्ट 2? राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मंदाकिनी विहार में हमारी मौजूदगी है। इस समय आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मंदाकिनी विहार का गेट बना हुआ है और वहां पर